morning students, I am coming. Yes, hello students, how are you? Today again we are here to discuss important topic, importance of latitudes. आज हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. अर्लियर क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, आज उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे. सो दीज आर देयर इंपॉर्टेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, आप देख रहे हैं. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज ऑन द मैप, यानी कि मानचित्र पे दो स्थानों के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, लैटिट्यूड. चलिए ट्राई करके देखते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे दो स्थानों के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दूरी निकाल सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज ऑलवेज रिमेन सेम, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, वो समान होती है. वो कितना होता है, 111 किलोमीटर, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर या कितनी बताई थी, 69 माइल्स, कहां पर एवरेज होती है सबसे, कहां पर, इक्वेटर पर. ठीक है, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं. अपन एक मैप ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए मैप ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया. ये देखिए बन गया, तैयार हो गया है मैप आपके सामने. अब बात करते हैं, यहां पर लास्ट सदर्न पॉइंट टिप है 8 डिग्री. ठीक है, टोटल वैसे कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है. और यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर ले लेते हैं गोवा, और ये क्या हो गया, कन्याकुमारी. ठीक है, कन्याकुमारी गोवा की लोकेशन 15 डिग्री. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, हम इसको रफली राउंड ऑफ ले लेते हैं, 8 डिग्री ले लेते हैं. इट मीन्स हमें गोवा, दैट वी विल इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी. कैसे पता करेंगे, देखिए गोवा का डिस्टेंस, गोवा का डिग्री कितना है, 15 डिग्री, और कन्याकुमारी का कितना है, 8 डिग्री. दोनों को क्या किया हमने, दोनों को माइनस कर दीजिए आप, अलग अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यू विल गेट 7 डिग्री. इट मीन्स हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड कितना होता है, उसके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर. इट मीन्स आपका आंसर कितना आएगा, 777 किलोमीटर. इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 777 किलोमीटर, यानी कि गोवा से कन्याकुमारी के बीच की दूरी आपने आसानी से निकाल ली, कितनी, 777 किलोमीटर. तो इस तरीके से हम दो स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे अगला पॉइंट क्या है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, यानी कि यू हैव टू प्लॉट एनी प्लेस ऑन द मैप, तो फर्स्ट यू नो अबाउट इट्स लैटिट्यूड, उसके अक्षांश के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है. इसलिए सबसे पहले अगर हम अज्यूम करके चले इंडिया की लोकेशन को, अगर आप देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स क्या लिखा, नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि शुरुआत ही किससे हो रही है, अक्षांश रेखाओं से हो रही है, यानी कि किसी भी स्थान के बीच की दूरी को कैलकुलेट, सॉरी उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, लैटिट्यूड्स की पड़ती है. डिस्टेंस में भी लैटिट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी लोकेशन को डिपिक्ट करने में भी लैटिट्यूड्स की रिक्वायरमेंट होती है. कम ऑन द पॉइंट नंबर 3, अगली इसकी सिग्निफिकेंस है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इन टू हीट जोन्स, पृथ्वी को ऊष्मा कटिबंधों में बांटा जा सकता है. तो आप यहाँ पे देखेंगे जोन्स की बात की थी मैंने, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर को क्या कहते हैं, उस 111 किलोमीटर को कहते हैं जोन, उस दूरी को जोन कहते हैं, या फिर मैंने एक टर्म यूज किया था उसको क्या कहते हैं, उसको बेल्ट कहते हैं. तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए अपने अर्थ को कितने हीट जोन्स में बांटा है. तो ताप कटिबंध आप देख रहे हैं, या फिगर आपके बुक में भी अवेलेबल है, मैंने यहां ड्रॉ किया है. आप ये देखेंगे तो जोन्स कितने हैं, हीट जोन्स, देयर आर 3 हीट जोन्स ऑन द अर्थ, 3 हीट जोन्स है. सबसे पहले आप देखेंगे सेंटर पार्ट जो है इक्वेटर है, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो एरिया है, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन. यहाँ पर जो सन की जो रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पर जो
इंसुलेशन है वो ज्यादा आता है, इसलिए इस इलाके को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन का है कहते हैं। इसके बाद चलेंगे, जैसे जैसे सन की रेस क्या होती जाएगी, स्लांटिंग होती जाएगी, उसकी इंसुलेशन जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है। तो इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल के इस जोन को क्या कहा जाता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे। इसी तरीके से सदर्न में होगा कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच का ये जो एरिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सदर्न टेम्परेट जोन कहलाएगा। सिमिलर वे में और ऊपर अगर चलते हैं तो वहां पर सन की रेज क्या होंगी, बिल्कुल ही स्लांटिंग हो जाएगी, कम रेज मिलेगी, तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ा लो हो जाएगा, और लो होने के कारण उस इलाके को क्या कहा जाता है, फ्रिज कहते हैं। तो दैट्स व्हाई 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये इलाका कहलाएगा आपका फ्रिज जोन। सिमिलर वे में साउथ में भी ऐसा ही होता है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज कम आती है तो उस इलाके को क्या कहा जाता है, फ्रिज जोन, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक इस इलाके को क्या कहा जाता है, रीजन इज नॉट एंड नॉन एज फ्रिज जोन। क्लियर हुआ। एक अगला पॉइंट और है यहाँ पर, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जलवायु कटिबंधों को बांटना, जलवायु विभागों को बांटना, उसमें भी हमें किसका योगदान होता है, लैटिट्यूड्स का उसमें सिग्निफिकेंस होता है। यानी कि आप जितने भी फर्दर क्लासेस में, अब अगर एक सिंपली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अमोंग द गिवन फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट, तो आपका आंसर क्या आएगा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, नॉट लॉन्गिट्यूड, याद रखेंगे लैटिट्यूड इफेक्ट करता है। तो उसी के बेसिस पे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवतरेखीय, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, आप पढ़ेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे इंडिया किसमें आता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, आप पढ़ेंगे सब पोला सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, आप पढ़ेंगे सब पोलार क्लाइमेट, ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे पोलार क्लाइमेट। तो ये कुछ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन भी होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इंडिया में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नहीं है, सब ट्रॉपिकल है, सब पोलार रीजन है। तो ये सभी रीजन्स जो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हम किसकी मदद से पढ़ते हैं, बाय द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड्स। लास्ट एक इसमें है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करेंगे, वायुमंडलीय पेटियों के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बता दूं मैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट अर्थ पर कितनी है, देयर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के लिए हम चैप्टर जब पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, दाबों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट इससे, तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। तो होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। ओके, जय हिंद, नमस्कार। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय, जय हिंद।